पर सरकार अपना पत्र जारी करे। डॉक्टर संजय जायसवाल। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन का ध्यान देश में उर्वरक की किल्लत, कालाबाजारी एवं बढ़ती कीमतों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इसी मानसून सेशन में बिहार के सांसदों ने जब फर्टिलाइजर की कमी के मुद्दे पर क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया था तो माननीय मंत्री श्रीकांत जेना जी ने हमारी अलग से मीटिंग बुलाई थी और यह माना था कि बिहार को 38,000 टन यूरिया कम गया है और हमें विश्वास भी दिलाया गया था कि इसके बाद यह घटना कभी नहीं घटेगी। फिर आज वही कहानी दोहराई जा रही है। सरकार ने धान एवं गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष एक रूपये भी नहीं बढ़ाया, लेकिन डीएपी की कीमत 490 रुपीज से 970 रुपीज कर दी है। एमओपी की कॉस्ट 225 रुपए से 581 रुपए कर दिया। यूरिया की सप्लाई को कम कर सरकार खुलेआम कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है और उसके बाद घड़ियाली आंसू भी सरकार ही बहा रही है। चेयरमैन महोदय, अगर किसान द्वारा किए जा रहे मेहनत को मनरेगा की मिनिमम प्राइस से भी जोड़ा जाए तो धान के उत्पादन का खर्च 1700 रुपीज प्रति क्विंटल पड़ेगा। आज किसान 800 रुपए प्रति क्विंटल पर अपना अनाज बेचने को मजबूर है। एफसीआई ने अभी तक बिहार में परचेजिंग स्टार्ट भी नहीं किया है, आज दिसंबर का समय हो गया। उसके बाद नो दिस यू आर ब्रिंगिंग सम अदर सब्जेक्ट। मेरे यहाँ सर फर्टिलाइजर यू स्टॉप विद फर्टिलाइजर। सर नो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद है सर। रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर ऑल राइट सर, नो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद है सर और केवल 17 MMU से वो नो फर्टिलाइजर गवर्नमेंट की फैक्ट्री चालू हो सकती है, लेकिन केवल गवर्नमेंट ने पॉइंट राइट अलॉट किया है और यह एक पूरा यूरिया श्री सिद्धेश्वरा प्रोड्यूस नहीं करे इसके लिए। सिद्धेश्वरा नेक्स्ट। सभापति बोले हम एक्सक्यूट करना चाहते हैं। ओके ओके।